Click on the subscribe button to never miss an update from Movie Mania channel. विष्णु पुराण भगवान विष्णु द्वारा लिए गए अवतारों का एक संग्रह है। जब जब इस पावन धरती पर पापियों का आतंक बढ़ा, तब तब पृथ्वी लोक को इन पापियों के आतंक से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कई रूप में इस पावन धरती पर अवतार लिए। मैं हूं जय। हम दोनों भगवान विष्णु के इस महल के मुख्य द्वार के रक्षक हैं। यहां हर किसी को अंदर आने की आज्ञा नहीं है। चले जाओ यहां से। क्या तुम जानते नहीं हम कौन हैं? इसकी आवश्यकता नहीं, तुम दोनों अंदर नहीं जा सकते। तुमने हमें रोककर हमारा अपमान किया है। हम तुम दोनों को श्राप देते हैं। तुम दोनों को 3 बार मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा, और जिस विष्णु भगवान के मुख्य द्वार की तुम रक्षा कर रहे हो, हर जन्म में तुम दोनों उनके सबसे बड़े शत्रु के रूप में जन्म लोगे, और हर जन्म में तुम दोनों का वध भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों के हाथों होगा। इन 3 जन्मों के बाद ही तुम दोनों को फिर से स्वर्ग लोक में जगह मिलेगी। कौन है आप दोनों जिन्होंने हमें इतना कठोर श्राप दिया है? हम दोनों भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं, और इस तरह जय और विजय को मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। इन दोनों का पहला जन्म असुर वंश में हुआ। दोनों सगे भाई थे। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यप। श्राप के अनुसार दोनों ही भगवान विष्णु के कट्टर शत्रु थे, और जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था वे उसे मौत के घाट उतार देते थे, फिर चाहे वो ऋषि मुनि हो या देवता। सारी मानव जाति इन दोनों भाइयों के आतंक से भयभीत थी और थर थर कांपती थी। और फिर हिरण्यक्ष का वध करने के लिए भगवान विष्णु को वराह का अवतार लेना पड़ा।
आ गई कि उसने मेरे भाई का वध कर दिया। मैं विष्णु का नाश कर दूंगा, सारे देवताओं को मिटा दूंगा। मुझे विनाश चाहिए, विनाश। शाली नहीं हो जाते, मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। अगर मुझे तीनों लोकों का स्वामी बनना है तो मुझे विष्णु से अधिक शक्ति प्राप्त करनी होगी, और इस शक्ति को पाने का एक ही उपाय है, बस एक ही उपाय। फिर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हिरण्यकश्यप ने मंद्राचलम पहाड़ पर एक एकांत घने जंगल में घोर तप करना शुरू किया। जंगली जानवरों का भय किसी पर्वत की तरह। देव, जब से हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या शुरू की है तब से असुरों ने भी पृथ्वीलोक पर अपने अत्याचार बंद कर दिए हैं। हाँ, और यह हमारे लिए सुनहरा अवसर है इन असुरों की शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देने का। और जब हिरण्यकश्यप लौटेगा तो उसके पास शक्ति तो होगी परंतु लड़ने के लिए उसकी सेना नहीं होगी।
जिस तरह असुरों ने मनुष्यों के साथ अत्याचार किया था, देवताओं ने उन असुरों को मारकर उस अत्याचार का बदला ले लिया। सारे के सारे असुर इतने घबरा रहे थे कि वे देवताओं का सामना नहीं कर पाए और गाजर मुनि की तरह कटते चले गए। स्वयं भगवान इंद्र ने कुछ देवताओं के साथ हिरण्यकश्यप के राजमहल पर आक्रमण और उसे तहस नहस कर दिया। असुर राज्य की महारानी कहा दू हिरण्यकश्यप की पत्नी साक्षात हमारे सामने खड़ी है। हे देव, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे प्राण ना लें, क्योंकि क्योंकि मेरे अंदर एक और प्राण है जो सांस ले रहा है। मैं माँ बनने वाली हूँ। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। चलो। जाने दो मुझे, इसमें मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का क्या दोष है जो आप हम दोनों का वध करना चाहते हैं? तुम्हारा दोष यही है कि तुम हिरण्यकश्यप के वंशज को जन्म देने वाली हो, और देवताओं और मानव जाति की भलाई के लिए मैं इस शिशु के जन्म लेते ही इसका वध कर दूंगा। एक पराई स्त्री को बलपूर्वक अपने साथ ले जाना आपको शोभा नहीं देता। नारायण नारायण। मुनिवर, ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है और उसकी संतान को जन्म देने वाली है। जब तक उस संतान का जन्म नहीं हो जाता, ये मेरी देखरेख में रहेंगी। नारायण नारायण। हे इंद्रदेव, इस शिशु के जन्म के पश्चात क्या आप दोनों को सुरक्षित वापस भेज देंगे? उस हिरण्यकश्यप की संतान को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसके जन्म लेते ही मैं उसका वध कर उसके बाद इन्हे जाने की आज्ञा दे दूंगा। नारायण नारायण। हे इंद्रदेव, ये आवश्यक तो नहीं कि हिरण्यकश्यप की संतान भी उसी की तरह हो? आप विधि के विधान को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नारायण नारायण। मुनिवर, मैं कुछ समझा नहीं। नारायण नारायण। हे देव, इस देवी के अंदर जो शिशु सांस ले रहा है वो एक बालक है, और ये कोई साधारण बालक नहीं होगा। ये तो भगवान विष्णु का परम भक्त होगा, और जब तक इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य रहेंगे तब तक वे सब इस बालक की भक्ति से प्रेरणा लेते रहेंगे। हे इंद्रदेव, ऐसे महान आत्मा की मृत्यु आपके हाथ में नहीं लिखी है। नारायण नारायण। हे मुनिवर, मुझे आपकी भविष्यवाणी में पूरी आस्था है। मैं इस देवी को इसी क्षण मुक्त करता हूं।
अब ये अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकती हैं। नारायण नारायण। और नारद मुनि हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने साथ अपने आश्रम में ले आए। पुत्री, तुम्हारे स्वामी का राजमहल अग्नि में जलकर समाप्त हो चुका है। जब तक हिरण्यकश्यप अपना तप पूरा करके तुम्हें लेने ना आए, तुम यहाँ रुक सकती हो। यहाँ तुम्हें तुम्हारे महलों का आराम तो नहीं मिलेगा, परंतु भगवान विष्णु में ध्यान लगाओगी तो मन की शांति अवश्य मिलेगी। नारायण नारायण। उधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या जारी है। कि हिरण्यकश्यप पर चींटियों ने अपना घर बना लिया। नारायण नारायण। इस संसार में जिस किसी का भी जन्म होता है, उसकी आत्मा में भगवान विष्णु का ही वास है। फिर चाहे वो प्राणी इंसान हो या छोटा सा ये पौधा। नारायण नारायण। पुत्री, हर इंसान का शरीर पांच तत्वों से बना होता है। ये पंच तत्व इस पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसीलिए मनुष्य का ये शरीर नश्वर है। इंसान को चाहिए कि जब तक उसका शरीर नष्ट ना हो, वो अपने मन को पवित्र रखे और भगवान विष्णु में अपना ध्यान लगाए। नारद मुनि कहते गए और महारानी कयादु ध्यान मग्न होकर सुनती रही। नारद मुनि की ये भक्ति भरी बातें न सिर्फ महारानी को प्रभावित कर रही थीं, बल्कि उनके पेट में पल रहे उनके पुत्र के मन पर भी ये विचार एक अमित छाप छोड़ रहे थे। और इसी तरह समय का चक्र घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। इतने कठोर तप के बाद भी ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं हो रहे थे, परंतु हिरण्यकश्यप एक असुर था। वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो अपने कठोर तप में लीन रहा। उसके तप की अग्नि इतनी तेज हो गई कि उसका पूरा शरीर जलने लगा। नदी और सागर का पानी उबलने लगा। सारा ब्रह्मांड इस तप की गर्मी को महसूस कर रहा था। पृथ्वी कांपने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे सारी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। जब कोई इतने लगन से वर्षों तक घोर तपस्या करता है, तो भगवान भी अपने उस भक्त के सामने आने पर मजबूर हो जाते हैं। उठो हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। भगवान, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मेरा वध ना तो किसी मनुष्य के हाथों हो, ना किसी देवता और ना ही किसी पशु या पक्षी के हाथों, ना तो कोई मुझे हथियार से मार पाए और ना ही बिना हथियारों के, ना तो मेरा वध दिन में हो पाए और ना ही रात में, ना मुझे कोई अंदर मार पाए और ना ही बाहर, ना मेरा वध पृथ्वी पर हो, ना जल में और ना ही आकाश में। हे ब्रह्मदेव,
मुझे वरदान दीजिए कि मैं तीनों लोकों का सबसे बलशाली राजा बनूं। पुत्र, मैं जानता हूं कि तुम इस वरदान का प्रयोग तीनों लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए करोगे, परंतु स्मरण रखना, हर मांगे हुए वरदान के पीछे उसका तोड़ भी छुपा होता है। मैं तुम्हें तुम्हारा मांगा हुआ वरदान देता हूं, तथास्तु। विष्णु, अब तुम्हें मेरी शक्ति के सामने सर झुकाना ही पड़ेगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। महाराज, महाराज, जब आप जंगल में कठोर तप कर रहे थे, तब देवताओं ने हम पर आक्रमण कर दिया और हमारे राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मेरे बहादुर सैनिकों, मैं तुम सबको ये वचन देता हूं कि मैं उन देवताओं को नहीं छोड़ूंगा, उन सब से एक एक करके बदला लूंगा। अपने सारे साथियों को जमा करो और देवताओं पर आक्रमण की तैयारी शुरू करो। विनाश, देवताओं का विनाश, विष्णु का विनाश, मनुष्य जाति का विनाश, तैयारी शुरू करो। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी को भी आश्रम से वापस महल में ले आया था। तब तक हिरण्यकश्यप के पुत्र के जन्म होने का समय आ गया था। महाराज की जय। महाराज, महारानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। मेरा पुत्र मुझसे भी बलवान होगा। मैं सारे देवताओं का विनाश करूंगा और मेरा पुत्र मेरे साथ तीनों लोकों पर राज करेगा। परंतु पुत्र, सबसे पहले मुझे तुम्हारा एक अच्छा सा नाम रखना होगा। प्रहलाद। प्रहलाद, प्रहलाद, अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। राज करेगा तीनों लोकों पर मेरे साथ, वो है मेरा पुत्र प्रहलाद। अच्छा नाम। Get
शक्तिशाली तीनों लोकों में कोई नहीं है। आज के बाद हर जगह मेरी पूजा होगी, हिरण्यकश्यपु की पूजा। सुना, हिरण्यकश्यपु की पूजा। मृत्यु के भय से सारे देवताओं ने हिरण्यकश्यपु के सामने अपना सर झुका लिया। मन से ना सही, परंतु दिखाने के लिए उन्होंने हिरण्यकश्यपु की पूजा करनी शुरू कर दी। भगवान बनकर हिरण्यकश्यपु को एक अलग ही आनंद मिल रहा था, परंतु वो ये नहीं जानता था कि जोर जबरदस्ती की भक्ति 2 से 4 दिन की हो सकती है, सारी उम्र की नहीं। कब तक हमें इस दुष्ट हिरण्यकश्यपु के अत्याचार को सहना पड़ेगा? प्रभु, आप ही इस अहंकारी से हमारी रक्षा कर सकते हैं। देवगण, आप सभी निश्चिंत रहिए, हिरण्यकश्यपु के पाप का घड़ा अब भर चुका है, उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है। हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान के कारण वो अभी तक जीवित है। सही समय आने पर मैं स्वयं अवतार लेकर उस पापी हिरण्यकश्यपु का वध करूंगा। परंतु प्रभु, वो सही समय कब आएगा? जब हिरण्यकश्यपु अपने ही पुत्र प्रहलाद का वध करने का प्रयास करेगा तब। प्रहलाद समय के साथ साथ बड़ा हो रहा था। जो बातें उसने अपनी माँ के गर्भ में रहकर नारद मुनि के मुख से सुनी थी, वो बातें अब शब्द बनकर उसके मुख से फूलों की तरह झर रहे थे। प्रहलाद, मेरे पुत्र, इन तीनों लोकों का भगवान कौन है? भगवान विष्णु। नहीं नहीं मेरे पुत्र, इन तीनों लोकों का स्वामी मैं हूं, तुम्हारा पिता श्री हिरण्यकश्यपु। हाँ, परंतु पिताश्री, आपके अंदर भी तो भगवान विष्णु का वास है। प्रहलाद, विष्णु हम असुरों का सबसे बड़ा शत्रु है। समय आ गया है कि तुम्हें अपने शत्रुओं की पहचान होनी चाहिए, इसलिए कल से तुम अपनी शिक्षा के लिए गुरुकुल जा रहे हो। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद की शिक्षा के लिए महागुरु शुक्राचार्य के पुत्र शुंद और अर्मक के पास भेज दिया। हिरण्यकश्यपु ने इन दोनों को सावधान कर दिया था कि किसी ने प्रहलाद के मन में विष्णु के प्रति श्रद्धा जगा दी थी। अब ये काम इन दोनों गुरुओं का था कि वो किस तरह से प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु की श्रद्धा निकालकर उसके पिता हिरण्यकश्यपु को तीनों लोक के भगवान के रूप में स्थापित करें। परंतु भगवान विष्णु तो मानो प्रहलाद के रोम रोम में बसे थे। पुत्र, शिक्षा का एक अहम उद्देश्य ये होता है कि हम अपने मित्र और शत्रु की पहचान कर सकें। परंतु गुरुजी, मेरा तो कोई भी शत्रु नहीं। पुत्र, असुरों के सबसे बड़े शत्रु हैं देवता, और उन देवताओं के रक्षक विष्णु। गुरुदेव, ये कैसे मुमकिन है? सारे जग के पालनहार भगवान विष्णु किसी के शत्रु कैसे हो सकते हैं? प्रहलाद, बताओ किसने तुम्हारे कान भरे हैं? कौन है जो तुम्हें विष्णु के बारे में ऐसी बातें बताता है? नाम बताओ उसका। गुरुजी,
वो कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु है। वही है जो मेरे मन को ज्ञान के भंडार से भर देते हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पता है तुम जैसे लड़कों को कैसे ठीक किया जाता है। बोलो बोलो प्रहलाद, हम कहते हैं बोलो, विष्णु हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, वो एक कायर है। तुम बोलते हो या नहीं, वो विष्णु तुम्हारे पिताश्री के भाई से कहीं दुबका हुआ है। महाराज हिरण्यकश्यप असुरों के ही नहीं, तीनों लोगों के भगवान। तुम विष्णु की नहीं अपने पिताश्री की पूजा करोगे, समझे तुम? बोलो प्रहलाद बोलो। गुरुजी बेचारे प्रहलाद को अपनी छड़ी से मारते और बोलते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो ये थी कि प्रहलाद के मुख से एक बार भी चीख नहीं निकली। वहां उपस्थित सारे बच्चे इस बात से हैरान थे और गुरुजी उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वे अपना गुस्सा एक बच्चे पर उतार रहे हैं या एक पत्थर पर। प्रहलाद, जब गुरुजी तुम्हें छड़ी से मार रहे थे तब क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था? नहीं। है? है? हाँ? है? अगर गुरुजी ने मुझे इतना मारा होता ना तो मैं तो बेहोशी हो जाता। लेकिन जब हम सभी को दर्द होता है तो तुम्हें दर्द क्यों नहीं हुआ? हाँ देखो देखो, तुम्हारे हाथ पर घाव भी हैं। हमें दर्द तब होता है जब हम उस दर्द पर ध्यान देते हैं। जिस समय गुरुजी मुझे अपनी छड़ी से मार रहे थे उस समय मेरा ध्यान दर्द पर था ही नहीं। तो फिर किस पर था? भगवान विष्णु पर। मैं आंखें बंद करके उन्हीं का ध्यान कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कब गुरुजी ने मुझे मारना शुरू किया और कब बंद किया। हा? अच्छा, क्या क्या इतनी शक्ति है भगवान विष्णु के प्रार्थना में? वे तो शक्ति का भंडार है। क्या तुमने भगवान विष्णु को देखा है? हाँ, वे तो सर्व विद्यमान है, हर जीवित प्राणी में उनका वास है। अच्छा, तो फिर हम उन्हें क्यों नहीं देख पा रहे हैं? तुम सभी भगवान विष्णु को देख सकते हो। अपने आप को भगवान विष्णु को सौंप दो, अपने मन को भगवान विष्णु की श्रद्धा से भर दो। मेरे साथ बोलो, ओम विष्णु देवाय नमः। तुम मेरे बाकी शिष्यों को भी भड़का रहे हो। अरे मैंने तुम्हारे जैसा पुत्र आज तक नहीं देखा जो अपने पिता के सबसे बड़े शत्रु की प्रार्थना करता है। दुष्ट बालक, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये वही कायर विष्णु है जिसने तुम्हारे अपने चाचा हिरण्यक्ष का छल से वध किया था? गुरुदेव, क्या आप बता सकते हैं कि भगवान विष्णु ने मेरे चाचा का वध क्यों किया? हाँ, अवश्य बताऊंगा, ताकि तुम्हें पता चल सके कि विष्णु कितना कपटी है। सुनो, एक दिन की बात है, महाबली हिरण्यक्ष ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करो! कायर है?
रूप लेकर पृथ्वी को बचाया। अगर तुम में शक्ति है तो आओ आओ विष्णु, आओ कायर, आओ। और इस तरह उस कपटी विष्णु ने तुम्हारे चाचा को छल से मार डाला। क्या अब भी तुम उस कपटी विष्णु की पूजा करना चाहते हो? गुरुदेव, अगर कोई मुझे मारेगा या दुख पहुंचाएगा तो क्या मेरे पिताश्री उसे दंड नहीं देंगे? अवश्य देंगे। तो फिर गुरुदेव, भगवान विष्णु तो इस पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं, और जो भी उनके भक्तों को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा वे तो उसे दंड अवश्य देंगे। भगवान विष्णु ने मेरे चाचा का वध करके कोई गलत कार्य नहीं किया है, उन्होंने तो मेरे चाचा को दंड दिया है। प्रहलाद, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे विचार कितने खतरनाक हैं। क्या तुम्हें भय नहीं लगता? गुरुदेव, क्या भय के कारण मुझे सत्य का रास्ता त्याग देना चाहिए? तुमसे बहस करना व्यर्थ है। अगर तुम लोगों ने भी प्रहलाद की तरह बोलना शुरू किया तो याद रखना, तुम सभी को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। जाओ, सो जाओ। इसी तरह समय का चक्र आगे बढ़ता रहा। एक दिन हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र प्रहलाद से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने तुरंत उसे अपने पास बुलवा लिया। तीनों लोगों के देवता को मेरा प्रणाम। पुत्र, कितने दिवस हो गए तुम्हें देखे हुए। मेरा मन तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा था मेरे पुत्र। प्रणाम पिताश्री। प्रहलाद मेरे पुत्र, मैं तुम्हें लंबी आयु का आशीर्वाद देता हूं। पुत्र, क्या सीखा है तुमने अपने गुरु से? बताओ बताओ, हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? पिताश्री, हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो भगवान विष्णु की प्रार्थना में अपना सारा जीवन लगा दे। यही सिखाया है तुमने मेरे पुत्र को? है? मेरे सबसे बड़े शत्रु की प्रार्थना? क्षमा करें महाराज, परंतु जो शब्द आपके पुत्र के मुख से निकल रहे हैं वो मेरे सिखाए हुए नहीं हैं। मेरे आश्रम में सारे बालक वही बोलते हैं जो मैं उन्हें सिखाता हूं, परंतु प्रहलाद वही बोलता है जो इसके मन में आता है। मेरा पुत्र होकर भी तुमने मुझे दुख पहुंचाया है। बताओ बताओ, कौन तुम्हें भड़का रहा है? बताओ। जो भी भगवान विष्णु में मन लगाता है उसके अंदर अपने आप ही ज्ञान का सागर फूट पड़ता है। पिताश्री, आप भी एक बार भगवान विष्णु की प्रार्थना करके देखिए, आपका मन भी पवित्र विचारों से भर जाएगा। आज मैं तेरे अंदर से विष्णु का भूत निकाल कर रहूंगा। पिताश्री, जब तक मेरे अंदर प्राण है तब तक आप भगवान विष्णु को मेरे अंदर से निकाल नहीं पाएंगे। तो ठीक है, आज मैं तेरा वध करके तेरे अंदर के इस विष्णु को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपका पुत्र है, आपका अपना लहू।
तुम्हारा पुत्र नहीं हो सकता। नहीं, हमारे पुत्र के भेष में ये हमारा शत्रु है और हम अपने शत्रु को कभी जीवित नहीं छोड़ते। तुम्हें भी ये बलि दी, इसे मरना होगा। ले जाओ इसे और सारे असुर बालकों के सामने इसका सर काट दो ताकि फिर कोई विष्णु का नाम ना ले। महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए उसे, अभी वो बालक है। प्रहलाद, क्या तुम्हें मौत का भी भय नहीं? भगवान विष्णु में ध्यान लगाना मेरा धर्म है। और हमारा धर्म है महाराज की आज्ञा का पालन करना। तो फिर आप अपने धर्म का पालन कीजिए और मैं अपने धर्म का पालन करूँगा। विष्णु की कोई चाल है, मैं विष्णु को जीतने नहीं दूंगा। सारी शक्ति लगा दो, प्रहलाद जीवित नहीं बचना चाहिए। अगर वो जीवित बच गया तो तुम सब जीवित नहीं बचोगे। सुना तुम लोगों ने? से डसवा दो।
उंगली हाथियों के सामने फेंक दो, ये हाथी इसे कुचल के रख देंगे। इसे ऐसा विष पिलाओ कि जिसे पीते इसे मृत्यु आ जाए। जाओ। और इस तरह हिरण्यकश्यप और उसके सैनिकों ने न जाने कितने प्रयास किए प्रह्लाद का वध करने के लिए। परंतु हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार ने प्रह्लाद की जान बचा ली। इसके बाद भी हिरण्यकश्यप की समझ में भगवान विष्णु की महिमा नहीं आई। वो तो क्रोध के मारे अंधा हो चुका था। हर तरफ से हताश हिरण्यकश्यप की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे में उसे अपनी बहन होलिका की याद आई और उसने होलिका को तुरंत बुला भेजा। क्या प्रहलाद के मुख से लगते ही विष भी अमृत बन गया? कोई तो ऐसी शक्ति है जो प्रहलाद को मारने नहीं दे रही है। क्या इन तीनों लोक में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो प्रहलाद को मार सके? एक शक्ति है, होलिका। होलिका, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, मेरी बहन, तुम ही मदद कर सकती हो। कैसी मदद भैया? होलिका मेरी बहन, तुम्हें वरदान में एक ऐसा वस्त्र मिला है जिसे ना तो अधिक गर्मी नष्ट कर सकती है और ना ही अग्नि उसे जला सकती है, है ना? अब उस वस्त्र को इस्तेमाल करने की घड़ी आ गई है मेरी बहन। इस वस्त्र से किसकी रक्षा करनी है भैया? रक्षा नहीं, वध करना है। वध मेरे सबसे बड़े शत्रु विष्णु के भक्त प्रहलाद का। भैया, सारे असुर जानते हैं कि आप अपने पुत्र का वध करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु किसी न किसी कारणवश आप सफल नहीं हो पा रहे। इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण है। भैया, आप एक बार फिर विचार कर लीजिए। आखिर प्रह्लाद आपका पुत्र है। होलिका, होलिका मत कहो उसे मेरा पुत्र, मत कहो। पुत्र के नाम पर वो मेरे माथे का कलंक है, कलंक। हाँ होलिका, मैंने तुम्हें यहां सलाह देने के लिए नहीं बुलाया है। इस क्षण
रक्षण मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, प्रहलाद का वध। बस ठीक है भैया, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। बताइए बताइए मुझे क्या करना होगा। हिरण्यकश्यपु ने सोच रखा था इस बार भगवान विष्णु की कोई भी चालाकी प्रहलाद को मरने से नहीं बचा सकती थी। इसके लिए उसने अपने महल के चार दीवारी के अंदर एक बहुत बड़ी चिता तैयार करवाई। कोई भी अद्वितीय शक्ति इस चार दीवारी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। हिरण्यकश्यपु को पूरा यकीन था कि भगवान विष्णु भी उसके भय से यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। होलिका प्रहलाद के साथ वहां आ पहुंची। होलिका का शरीर उस अद्भुत वस्त्र से ढका हुआ था जिसे अग्नि जला नहीं सकती थी। प्रहलाद का चेहरा पहले की तरह शांत था, वो तो हमेशा की तरह भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न था। होलिका उसे लेकर चिता पर बैठ गई। प्रहलाद को उसने अपनी गोद में बिठा लिया और फिर हिरण्यकश्यपु ने अपने पास खड़े असुर सैनिक को इशारा किया। अग्नि! इस बार भी भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचा ली। होलिका तो जल गई, परंतु विष्णु भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हर साल हम इसी होलिका को जलाते हैं और अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाते हैं।
इस घटना के बाद हिरण्यकश्यपु की रातों की नींद भी उड़ गई और एक रात वो अचानक नींद से जाग उठा। विष्णु, कायर, कहां छिपा है तू? हाँ? अगर तुझ में सचमुच शक्ति है तो मेरे सामने आ। कायरों की तरह मेरे ही पुत्र को मेरे विरुद्ध क्यों भड़का रहा है तू? सामने आ। तू भगवान नहीं, छल करने वाला एक कपटी है, कपटी। और इसका दंड मैं तुझे सबके सामने दूंगा। विष्णु, कायर, मेरे सामने आ। चाल चल ले तो मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मैं अमर हूं। सुना तुमने? मैं अमर हूं। मैं अमर हूं। प्रहलाद, तीनों लोक मेरे नाम से कांपते हैं। किसी में इतनी शक्ति नहीं जो मुझसे टक्कर ले सके। मैं मृत्यु को भी परास्त कर सकता हूं, परंतु तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई जो मृत्यु तुम्हें छू नहीं पा रही है? हैं? कहां से आई, बताओ? पिताश्री, मेरे अंदर जो भी शक्ति है वो भगवान विष्णु की शक्ति है। मेरे अंदर ही नहीं, आपके अंदर भी जो शक्ति है वो कोई और नहीं, भगवान विष्णु ही है। तीनों लोकों में जितनी भी शक्तियाँ हैं, उन सब में भगवान विष्णु का ही वास है। भगवान विष्णु तो इस संसार के कण कण में समाये हैं। अगर तुम्हारा विष्णु कण कण में समाया है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? कहाँ है वो? कायरों की तरह क्यों छिपा है? सामने क्यों नहीं आता? मैं तो कब से उसे ढूंढ रहा हूं, कब से? पिताश्री, आप अपने आंखों के सामने से घमंड का पर्दा हटा के देखिए, आपको भी भगवान विष्णु अवश्य दिखाई देंगे। प्रहलाद, घमंड का पर्दा मेरी आंखों पर नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों पर पड़ा हुआ है। अगर तुम्हारा विष्णु सर्व विद्यमान है तो उसे इस तपते स्तंभ में भी होना चाहिए, है ना? और अगर वो तीनों लोकों का रक्षक है तो वो तुम्हें भी बचाने अवश्य आएगा। जाओ, जाकर उस अग्नि से तपते हुए स्तंभ को अपनी भुजाओं में भर। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ मेरे पुत्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा, नहीं तो ये तपता हुआ स्तंभ तुम्हें भी जला देगा। जाओ प्रहलाद, जाओ। प्रहलाद, 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 प्रहलाद।
नर है ना पशु है, कौन है तू? जो भी है मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप, आज तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, ये क्षण तेरे जीवन का अंतिम क्षण है। तू मुझे नहीं मार सकता, मैं अमर हूं, अमर। मुझे तो स्वयं ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। सुना तुमने, ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। याद कर अपने वरदान को। मेरा वध ना तो कोई इंसान, ना कोई देवता, ना कोई पशु और ना ही कोई पक्षी कर सकता है। अब ना तो मैं इंसान हूं, ना ही पशु, ना ही कोई देवता और ना ही कोई पक्षी। मेरा वध ना तो आकाश में हो सकता है, ना पृथ्वी पर और ना जल में, ना घर के अंदर हो सकता है और ना घर के बाहर। तो आकाश है, ना ही जल, ना घर के अंदर है और ना ही घर के बाहर। मेरा वध ना तो दिन में हो सकता है और ना ही रात में। ये समय ना तो दिन है और ना ही रात, ये दिन और रात के बीच की संध्या बेला है। मेरा वध किसी भी हथियार से नहीं हो सकता और ना ही बिना हथियार के। मेरा वध मैं किसी हथियार से नहीं, अपने हाथों के नाखूनों से करूंगा। हिरण्यकश्यप, मैंने ब्रह्मा के वरदान को झूठा साबित नहीं होने दिया। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। के वरदान की लाज रखते हुए भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। भागो, 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 बचाओ, बचाओ, बचाओ। हिरण्यकश्यपु का वध करके भी नरसिंह की प्यास नहीं बुझी थी। उनकी क्रोध की ज्वाला में कई असुर मारे गए। उनका ये भयानक रूप देखकर देवता गण भी भयभीत हो गए। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे नरसिंह के इस भयानक रूप को शांत कर सके। सारे देवता भागकर देवी लक्ष्मी की सहायता मांगने पहुंच गए। माता,
भगवान विष्णु के इस रुद्र रूप को अब आप ही शांत कर सकती हैं। हम में से कोई भी नरसिंह के क्रोध को शांत करने की शक्ति नहीं जुटा पा रहा है। अगर उन्हें शांत नहीं किया गया तो उनका क्रोध सारी सृष्टि को नष्ट कर देगा। मैं भी नरसिंह के क्रोध को शांत नहीं कर सकती। उनका परम भक्त प्रह्लाद ही अब उनके इस विनाशकारी रूप को शांत कर सकता है। सारे देवतागण लौटकर प्रह्लाद के पास आए और उससे कहा कि वो नरसिंह को अपनी प्रार्थना से शांत करे। प्रह्लाद को अपने पिता की मृत्यु का दुख था, परंतु उसे अपने कर्तव्य का भी पालन करना था। वो नरसिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे प्रभु, आप तो प्रेम और दया के सागर हैं। मैं अपने पिताश्री की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्रभु, मेरे पिता की आत्मा को क्षमा कर दीजिए। प्रभु, अपने इस छोटे से जीवन काल में मैंने भी भूल किए हैं। अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना करते हुए मैंने आपकी पूजा की, इसी कारण वे आपके शत्रु बन गए। मैं भी अपने पिताश्री के इस पाप में पूरी तरह भागीदार हूँ। हे तीनों लोकों के रक्षक, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। तुमसे मांगनी चाहिए, तुम मेरे परम भक्त हो, फिर भी मैंने तुम्हारी सहायता करने में बहुत देर कर दी। मेरी वजह से तुम्हें अपने पिता की क्रूरता को सहन करना पड़ा। हे मेरे परम भक्त प्रह्लाद, मुझे क्षमा कर दो। हे परम पिता, इन अत्याचारों ने मुझे ये बता दिया कि मेरे अंदर आपके लिए कितनी भक्ति है, और ये भक्ति मैं जीवन भर कम नहीं होने दूंगा। पुत्र, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु, सब कुछ तो है मेरे पास। आपकी भक्ति ने मुझे तीनों लोकों का सुख दे दिया है, और आज मैंने आपको साक्षात रूप में देख लिया। बस इसी तरह आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। प्रह्लाद, इतनी कम आयु में तुम विद्वानों की तरह बातें कर रहे हो, फिर भी मैं चाहता हूँ तुम मुझसे कुछ मांगो। भगवान, आप मेरे पिताश्री को उनके सारे पापों से मुक्त कर दीजिए। जीवन भर वे आपकी महानता को पहचान नहीं पाए। प्रभु, आप उन्हें अपनी शरण में ले लीजिए। हे प्रह्लाद, जिस प्राणी का तुम जैसा पुत्र हो, वो अपनी मृत्यु के बाद वैसे ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। पुत्र, आज से ये विशाल साम्राज्य तुम्हारा है। तुम अपने पिता की जगह राज करो और अपने धर्म और मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो आज्ञा प्रभु। भगवान, आप सभी देवताओं को मेरे पिताश्री के कारण जो दुख सहना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कृपा करके आप सभी देवतागण मेरे मृत पिताश्री की आत्मा को क्षमा कर दीजिए। ऐसा ही होगा पुत्र, जाओ
और जाकर अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार करो। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और फिर अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद प्रहलाद को उसके पिता की जगह राजगद्दी पर बिठाया गया। प्रहलाद ने अपनी भक्ति से सिद्ध कर दिया कि अगर मन में भक्ति भावना है तो भगवान को प्रसन्न कर उन्हें अवतार लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। प्रहलाद के कारण ही हिरण्यकश्यपु जैसा अहंकार में डूबा विनाशकारी असुर का उद्धार हुआ। असुरों के यहाँ जन्म लेने के बाद भी भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु का सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है। इससे ये साबित होता है कि परम पिता की भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। राजगद्दी पर बैठने के बाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन प्रहलाद ने कई वर्षों तक शांतिपूर्वक राज किया। भगवान विष्णु के ऐसे परम भक्त को आने वाले कई युगों तक लोग नमन करते रहेंगे। असुर योनि में जन्म लेने के बाद जय और विजय का दूसरा जन्म राक्षस योनि में हुआ, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। और आखिरी जन्म उन दोनों ने दुष्ट क्षत्रिय के रूप में लिया, जिनका नाम था शिशुपाल और दंडवर्ग। जय और विजय को दिए गए श्राप के अनुसार इन दो जन्मों में भी उन दोनों का वध भगवान विष्णु के अवतार के हाथ में। तो ऐसी थी कहानी भगवान विष्णु के परम भक्त भक्त प्रहलाद की। Thank you.
जैसा भक्त बसे कोई उसे न बदल पाए। For more movies, subscribe to Movie Mania channel.